देश में अब तक बड़े बड़े वादे और ऊंचे ऊंचे दावे करने में पीएम मोदी सबसे आगे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पंजाब के नए सीएम भगवत मान मोदी जी को टक्कर देने वाले हैं। लेकिन कई बातों में भगवत मान आम आदमी पार्टी की जगह पीएम मोदी की राह पर चलते नजर आए। दरअसल महाराजा रणजीत सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय भटिंडा के पहले दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा, जब कोई बच्चा विदेश जाता है तो सिर्फ वो ही बाहर नहीं जाता, उसके साथ प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपए भी बाहर जाते हैं। इस बार भी 3.25 लाख बच्चों के विदेश जाने की संभावना है। इसके बाद एक बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ा समय दो, ऐसा माहौल बनाएंगे कि अंग्रेज भी यहाँ नौकरी मांगने के लिए आएंगे। पंजाब सरकार ऐसी प्लानिंग कर रही है कि यहाँ पर अंग्रेज भी नौकरी मांगने आएंगे। सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार बच्चों के लिए देश में ही अवसर पैदा करेगी ताकि यहाँ का टैलेंट यहीं रहे और युवाओं को अपने सपने पूरा करने के लिए दूसरे देशों में ना जाना पड़े। भगवत मान ने बच्चों से अपनी मातृभूमि को बचाने की अपील की और कहा कि शिक्षा को रोजगार के उपलब्ध अवसरों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए काम करेगी, लेकिन उसके लिए कुछ समय की जरूरत है। तो इन बातों को सुनकर कहा जा सकता है कि भगवत मान पीएम मोदी की राह पर चल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वो इस राह पर पीएम मोदी से आगे कब निकलते हैं।